दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते गणेश सर। नमस्ते। हाँ, सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। कल से गणेश सर हमारे साथ में हैं। सर हमारे साथ में कंटेंट भी डिस्कस करेंगे और हमारे जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, उसके बारे में भी सर हमें गाइड करेंगे। तो कल से हमने ये सत्र शुरू किया है। सर हम आज भी क्वेश्चंस ही लेंगे। फर्स्ट गणेश जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते राजा जी। भैया एक सवाल ये था कि जैसे हम सेंसेशन से सुख प्राप्ति का एक रहता है, कल का आपका सेशन सुना है, काफी कुछ उसे क्लैरिटी मिला है, लेकिन फिर भी आपने एक बात मूल मंत्र दिया था कि आप अपने ऊपर थोड़ा कृपा करें कि जल्दीबाजी ना करें और क्रूरता ना करें कि कभी भी हम ट्रैक से हट जाएं। तो उससे थोड़ा बहुत मदद तो मिला है, लेकिन फिर भी जैसे स्वीट्स है, स्वीट्स लेने का सेंसेशन से सुख प्राप्ति करने का एक धारणा बनी हुई है, वो इतना बड़ा संस्कार है कि काफी समय तो अपने आप को रोक पाते हैं, लेकिन जब कई बार ऐसा थोड़ा प्रेशर से कहीं से ऑफर हो जाता है तो ले ही लेते हैं, लेकिन उससे दुख होता है ये भी पता है, फिर भी हम ये वापस एक विशेष सर्कल में फंस क्यों जाते हैं के बारे में थोड़ा सा। गणेश जी ने दो बात कही थी, एक तो कहा था अपने प्रति उदार होना है और दूसरा दूसरे के प्रति भी उदार होना है। हाँ जी हाँ जी, वो तो किसी का कंपैरिजन करने के जी मूल्यांकन करते वक्त तो आपने दूसरे को छोड़ दिया, ये ठीक नहीं है। ठीक है हाँ, ये भी सही, ये भी सही है। अभी तो मैं मेरा ही आदत को देख रहा हूँ। गणेश जी भैया एक एक इसमें रह गया, मैं दूसरे प्रश्न को पर आता हूँ आपके। हाँ जी, हाँ जी। बात पर हाँ जी। एक हमारे मित्र हैं, है ना, जो गुटखा खाते हैं और हमारे उनसे बहुत समय से परिचित है, 10 साल से भी ज्यादा हो गया है। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप कोई भी हमसे मिलता है ना, तो एक दो दिन में ही हमसे कहने लगता है कि भाई आप गुटखा छोड़ दीजिए, और आपने 10 साल में कभी नहीं कहा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अभी आपका सुख का स्रोत जो है वो गुटखा से जुड़ा हुआ है, कोई अल्टरनेटिव स्रोत आपके पास है नहीं, सोर्स नहीं है सुखी होने का। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अल्टरनेटिव सोर्स मिल जाए सुखी होने का। अल्टरनेटिव मिल जाएगा तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। जब तक अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा और आपको संवेदना से ही सुख पाना है, तो अभी गुटखा से पा रहे हैं, इसको छोड़ेंगे तो किसी और को पकड़ लेंगे, शराब पीने लगेंगे, कुछ और करने लगेंगे। तो इसलिए मैं अभी तो कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मिल जाए, ठीक है ना। तो आप अपने लिए भी यही काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत उपकारी होगा कि आप अपने को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ हैप्पीनेस दीजिए। तो ये जो संवेदना से सुख पाने की जो बाध्यता है अभी, उससे हम निकल पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसमें अवेयरनेस और बढ़ाओ, अवेयरनेस भी बढ़ाइए, और ये जो अल्टरनेटिव सोर्स है ना सुखी होने का, तो अगर आप अभ्यास एक को देखेंगे तो हम मुख्य रूप से कोशिश क्या कर रहे हैं कि आपको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मिल जाए। वो क्या है, हमारा भाव सही हो जाए तो हम सुखी हो जाते हैं, हमारा समझ ठीक हो जाए और उससे भाव ठीक हो जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। तो पूरा एक्सरसाइज 1 को देखेंगे तो मेनली वो इसी बात पर काम कर रहा है कि हमारे सुखी होने का सोर्स क्या हो सकता है।
और वो सोर्स कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर ये होने लगेगा तो संवेदना से सुखी होने की जो बाध्यता है वो अपने आप ही चली जाएगी। फिर जो खाना है और स्वाद है उसको हम सूचना के रूप में देख पाएंगे। वो किस लिए देखेंगे उसको? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के साथ जो हमारा संबंध है उसको निर्वाह करने के लिए, दूसरे के साथ जो मेरा संबंध है उसका निर्वाह करने के लिए हम संवेदना का सदुपयोग करेंगे, सुखी होने के लिए नहीं करेंगे। अभी क्या है, हमारा सुखी होने का सोर्स हमारे पास है नहीं। हमारे ज्ञान से हम सुखी होंगे, हमारे भाव से हम सुखी होंगे, या कम से कम भाव से सुखी होंगे, ये हमको नहीं दिखा है। उस भाव के आधार पर सुखी नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि चलो जो भी सुख मिल जाए संवेदना से वही ले लेते हैं। और जिन जिन चीजों का हमको पुराना अभ्यास है कि इससे सुख कुछ मिलता है, भले एक क्षण के लिए मिले, बाद में समस्या हो तो हम लौट लौट के उसमें जाते रहते हैं, है कि नहीं? हाँ भैया बिल्कुल सही। आपने भी देखा होगा कि जितना जितना ये अभ्यास एक पर आप काम करते हैं और जितना आपका भाव ठीक होने लगता है, जितना आपका सुख बढ़ने लगता है, उतना उतना संवेदना के ऊपर जो पहले डिपेंडेंसी जितना एक्यूट थी अभी वो कम होने लगती है। हाँ भैया दिखता तो है, लेकिन होता ये है कि वो एक बार ज्यादा जोर मारता है कि 15 दिन में या 20 दिन में, तो तब समझ भी कहीं खत्म हो जाता है, भाव भी खत्म हो जाता है, फिर इमीडिएटली दिख जाता है कि इसे अभी दुखी होने वाले हैं, अपन शरीर को भी दुख में डाल रहे हैं। वही, इसीलिए तो उदारता कहा था। हाँ ये कल ही क्लियर हो गया। आपने इतने संस्कार इकट्ठा कर रखे इतने समय से, वो जब तक दिखेगा नहीं, मूल्यांकित होगा नहीं, तब तक कहाँ बैठा हुआ है क्या पता, और कब उसके लिए अनुकूलता आ जाए और वो एक्टिव हो जाए, है ना। हम लोग वो बार बार बताते रहे ना कि चार प्रकार से अभी संस्कार दिखाई पड़ते हैं, है ना। एक को कहा है प्रसुप्त, दूसरे को कहा है तनु, तीसरे को कहा है विच्छिन्न, चौथे को कहा है उदार। तो पतंजलि कहते हैं कि ये चार प्रकार के संस्कार अभी हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, है ना। प्रसुप्त का मतलब है जो सोया हुआ है, एकदम डॉर्मेंट है। तनु का मतलब है वो बहुत वीक है, है ना, वेरी लीन एंड थीन। विच्छिन्न का मतलब डाइवर्टेड है, और उदार का मतलब एक्टिव है। ऐसे चार प्रकार के संस्कार हमारे में भी बने हुए हैं। हम जब बहुत ध्यान देते हैं, अपने पर काम करते हैं, तो भी ये जो सबसे एक्टिव वाला संस्कार है उतने ही भर दिखाई पड़ता है, उसी का मूल्यांकन होता है। जो डाइवर्टेड है, जो वीक है और जो डॉर्मेंट है, उसका तो हमको पता भी नहीं चलता है। वो तो जब अनुकूलता कोई मिलती है और उसमें ये संस्कार एक्टिव होता है तब हमको पता चलता है। तो वो सबको ही ठीक करना है, सबको देखना है, मूल्यांकन करना है, तो उस पर टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। उतना टाइम तो अपने को देना पड़ेगा, उतनी उदारता अपने प्रति रखनी पड़ेगी, है ना। ये उदारता अगर रखेंगे और उन क्षणों पे भी हम अपने में डिस्टर्ब हुए बिना, है ना, ये कंटेम्प्ट करने जाने के बिना हम अगर ऑब्जर्वेशन के काम को जारी रखेंगे, तो उन संस्कारों को देख पाएंगे जो डॉर्मेंट थे और अभी एक्टिव हो गए, और उनको मूल्यांकन कर पाएंगे, उनसे निवृत्त हो पाएंगे। तो 15 दिन में एक बार भी अगर ये हो रहा है कि हमारा, है ना, मिठाई को देखकर हम अपने को रोक नहीं पा रहे हैं और खा ले रहे हैं, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने को उस संस्कार को देखना है जिसमें ये स्वीकृति बनी हुई है कि संवेदना से सुख मिलेगा और मिठाई से ही वो संवेदना मिलेगी जिससे हमको सुख मिलेगा। इसको देख लें, मूल्यांकन कर लें, ये ठीक है कि नहीं, ऐसा तय कर लें भाई, है तो आगे इसको बनाए रखें, नहीं तो अपने आप में गिरने लगेगा। दिख तो रहा है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए
अवेयरनेस और बढ़ाने। तो अपने पर कंटिन्यूअस जो अभ्यास एक और दो का काम है वो करते रहेंगे, और बीच में ये जो भी इंसिडेंस होगा है ना, अभ्यास दो के तहत उसको देख लेंगे, उसके पीछे जो हमारा संस्कार है उसको देख लेंगे, उसका मूल्यांकन कर लेंगे। है कि नहीं? थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत आभार जी। नमस्ते। नमस्ते गणेश भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते भैया, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हमको संस्कार मिलते हैं, हम बोलते हैं कि पेरेंट्स से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं, तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो हम आपस में सेल्फ रिलेटेड है उसके कारण हम वो चीजों को सीखते हैं, या जो जीन्स में बॉडी में जीन्स हैं उसके कारण वो हम में आते हैं? जी, आपका प्रश्न जैसा मैं समझाऊं वो बता देता हूँ जी। आप पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे में चीजें ट्रांसफर होती हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो संस्कार सेल्फ के लेवल पर होती है कि बॉडी के लेवल पर होती है? हाँ जी जी, ये पूछ रहे हैं ना जी। तो देखिए, जो सेल्फ का जो मुद्दे हैं वो सेल्फ के लेवल पर ट्रांसफर होते हैं जी। जो बॉडी के मुद्दे हैं वो बॉडी के लेवल पर ट्रांसफर होते हैं जी। उसको दोनों को क्लियरली देखने की जरूरत है। अभी क्या है कि हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। और मिक्स किस लिए करते हैं वो मैंने बताया, जो अभी बात हो रही थी ना अमोल जी से, ये तीन अप्रोच अलग अलग हैं। जो अप्रोच लेके हम चल रहे होते हैं उसी में मिक्स कर देते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि सब कुछ मटेरियल है तो सब कुछ मटेरियल के बेसिस पे एक्सप्लेन करने लगते हैं। अगर ये मानते हैं कि सब कुछ कॉन्शियसनेस है तो कॉन्शियसनेस के बेसिस पे एक्सप्लेन करने लगते हैं। जी जी, तो अभी ध्यान देंगे तो दोनों ही है, मटेरियल भी है, कॉन्शियसनेस भी है, बॉडी भी है, सेल्फ भी है ना जी। तो दोनों को समझ लेना जरूरी है, और दोनों के लेवल पे कुछ ट्रांसफर हो रहा है ना जी जी, दोनों को समझना जरूरी है। हाँ जी। तो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे आप देखेंगे बच्चे का और माँ बाप का है ना, तो शरीर की बनावट में सिमिलैरिटी है। हाँ जी। नाक देखेंगे, रंग देखेंगे, है ना। तो माँ से, पिताजी से, किसी से मिलता ही है वो। तो ये शरीर के लेवल पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो जीन किससे हो रहा है? शरीर का एक जीन है, जीन है, और जो है वो जीन इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो जो भी उसके नियम है, एक्स और वाई और एक्स प्लस वाई और ये सब, एक्स वाई और सब सब है ना, वो सब है, उसके तहत वो हो रहा है। तो कभी पिताजी के जैसा नाक दिखता है, किसी का माँ की तरह दिखता है, किसी का दादी की तरह दिखता है, किसी का दादा की तरह दिखता है ना, किसी का नानी की तरह दिखता है। तो ये जो शरीर के बनावट का भाग है वो तो शरीर के लेवल पे ही ट्रांसफर हो रहा है जी। तो बॉडी के जीन से वो ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये जो सेल्फ में जानना मानना है और उसके आधार पर पहचानना निर्वाह करना है जी, ये तो सेल्फ टू सेल्फ ट्रांसफर हो रहा है जी। इसको संस्कार कह रहे हैं। हाँ जी। तो जीन से बॉडी के संदर्भ में कुछ ट्रांसफर होता है, संस्कार से सेल्फ के लेवल पर कुछ ट्रांसफर होता है जी। दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत है। हाँ जी। और ये बहुत अच्छा काम होगा है ना। आपका डिपार्टमेंट क्या है, एरिया क्या है? सर, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैं प्रोफेसर हूँ। ठीक है। नहीं, मैं सोचा कि अगर आप ह्यूमैनिटीज में हैं तो साइकोलॉजी में और इसमें, तो इस पर काम करना चाहिए, अदरवाइज भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में रहकर भी काम कर सकते हैं, क्या बात। हाँ जी, मैं खुद ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हूँ, इसलिए जो है ये इंटरेस्टिंग काम है, ये इस बात का स्टडी करना
है ना, हाँ जी, क्या ट्रांसफर हो रहा है बॉडी के लेवल पर और क्या ट्रांसफर हो रहा है सेल्फ के लेवल पर। बहुत ब्रॉडली अगर कहेंगे तो जो मटेरियल इश्यूज हैं वो बॉडी के लेवल पर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कॉन्शियसनेस के इश्यू हैं वो सेल्फ के लेवल पर ट्रांसफर हो रहे हैं। बिल्कुल भैया, जो बॉडी के लेवल पर हो रहे हैं उसके लिए जीन की जो बात कर रहे हैं वो काम करेगा, जो सेल्फ के लेवल पर ट्रांसफर हो रहा है उसको संस्कार के लेवल पर ही हैंडल करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, बट ये दोनों का अच्छा एक्सटेंसिव स्टडी होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि यदि हम अभी प्रैक्टिस करके अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट है वो हम एनवायरनमेंट में इनडायरेक्टली भी ट्रांसफर कर पाएंगे, जैसे सेल्फ यदि अपने आप में रिलेटेड है, तो थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये क्वेश्चन करी थी कि हम खुद में अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट है वो हम चारों तरफ हम उस चीज को रिलेट जो आसपास के सेल्फ हैं उन तक हमें पहुंचा पाएंगे। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, तो जो नहीं सुनते हैं उन तक भी हमारी बात पहुंच पाएगी। ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन वो जो ट्रांसफर होगा ना, हाँ जी, हाँ जी, वो सेल्फ टू सेल्फ होगा। हाँ हाँ, बॉडी जो है एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, हाँ जी, इट इज वर्थ, यस। इससे ये बात क्लैरिटी अगर हमको कि हो कि सेल्फ टू सेल्फ होगा, तो फिर ये बॉडी के लेवल पर जो भी डिफरेंसेस है उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, हम इस बात को छोटे बच्चे से भी बात कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं, बूढ़े से भी कर सकते हैं, काले से भी कर सकते हैं, गोरे से भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी। जो ब्रेन के लेवल पर बहुत एक्टिव है उसके भी कर सकते हैं, जो कम एक्टिव है उसके साथ भी कर सकते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके साथ भी कर सकते हैं। हाँ जी, है ना, तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि अदरवाइज अगर शरीर से जुड़ा हुआ होता, हाँ, तो इन सारे शरीर के भेद से हमको सोचना पड़ता कि क्या करें। जी बिल्कुल। और पोटेंशियली सेल्फ में सब ठीक है, हाँ जी, इसलिए अच्छे लोगों से भी कर सकते हैं, बदमाश लोगों के साथ भी बात कर सकते हैं, धर्मात्माओं से भी कर सकते हैं और जो जेल में है उनके साथ भी काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी जी भैया, थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्ते भैया जी, धन्यवाद दीदी। नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, 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 नमस्ते सर। एक तीन क्वेश्चन है, रिलेटेड हो सकते हैं या बताए, मतलब आप जैसा सोचे वैसा बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अब जो सेल्फ बॉडी को मैसेजेस भेजता है, जैसा हमारा हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हम जो खाते हैं उसके बतौर वो रिलीज करता है, मतलब जो हार्मोन्स जो बॉडी को चाहिए वो पहले से बॉडी में है, खाली सेल्फ उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि उसको जाए या ना जाए उसके इनटेक की वजह से। तो ये पूरे हमारे बॉडी में है क्या? अगर है तो अनहेल्थ क्यों होती है, एक क्वेश्चन है। और अगर सेल्फ कंटिन्यूअस है, टाइम के मायने क्या है, क्योंकि बॉडी तो बदलता रहता है लेकिन टाइम का मायने क्या है? और तीसरा, अगर टाइम का मायने को समझने की कोशिश करें तो ये जो हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप कहाँ तक ठीक बैठता है अपना दर्शन से? इतने ही क्वेश्चन है सर जी। तो जो पहली बात है ना कि अस्तित्व में सारी चीजें तो हैं उपलब्ध, और ज्यादातर देखेंगे तो जो यूनिट के लिए जो आवश्यक है उस यूनिट में या उसके वातावरण में उपलब्ध है। हम अगर चीजों को ठीक ठीक नहीं समझ रहे हैं तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, अन्यथा करते हैं तो उसकी व्यवस्था बिगड़ती है। इन जनरल भी ऐसा ही हो रहा है और शरीर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो अगर हम शरीर की व्यवस्था को नहीं समझते हैं, पहले तो हम खुद की व्यवस्था को नहीं समझते, हम व्यवस्थित नहीं रहते हैं, तो फिर हम दूसरे इकाई की व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं देते, उनको भी नहीं समझते, तो उनके साथ जो जिम्मेदारी पूर्वक हमको प्रस्तुत होना है वो हम नहीं होते, इसलिए उनकी व्यवस्था बिगाड़ने में हम एक तरह से
कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। तो खास करके शरीर के साथ तो ऐसा ही है कि हम खुद व्यवस्थित नहीं है, शरीर की व्यवस्था को समझे नहीं है, इसलिए शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने के दृष्टि से हमारी जो भागीदारी बनती है वो हम करते नहीं है, हम अन्यथा करते हैं, इसलिए शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। शरीर जितना पचा सकता है उसके पोषण के लिए जितनी जरूरत है उससे अधिक हम खिला देते हैं, क्योंकि हमको जो स्वादिष्ट लगता है उससे सुख मिलता है, अपने सुख के लिए शरीर के ऊपर उसका लोड डालते हैं। शरीर पचा नहीं पाता, वो इकट्ठा हो जाता है वहां पर, फिर वो कुछ ना कुछ रोग बनाता रहता है, सड़ता रहता है, ठीक है ना। फिर पच भी गया, उसका निष्कासन होना है, हम किसी और काम में व्यस्त हैं, निष्कासन नहीं होता, सड़ने शुरू हो जाता है। तो ये सब जो शरीर की व्यवस्था को समझकर हमको जो निर्वाह शरीर के साथ करना था उसको हम कर नहीं पाते, क्योंकि शरीर की व्यवस्था को समझ नहीं पाते। उसके और पीछे जाएंगे तो खुद की व्यवस्था को भी समझ नहीं पाते, और हम शरीर से सुख पाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसे करने लगते हैं जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, तो ये चलता रहता है। इसी तरह से आपको गुस्सा आता है, ये गुस्सा तो सेल्फ में आ रहा है ना, उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं शरीर के लेवल पर, उससे शरीर का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको बॉडी सस्टेन करने का सिस्टम नहीं है, तो उसके कुछ अपने रिपरकशंस होने लगते हैं। आपको अपने सेल्फ के लेवल पर कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आप ट्रांसफर करते रहते हैं ब्रेन के लेवल पर, उससे ब्रेन थक जाता है। ये सब कुछ आप कर रहे हैं क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। पहले तो आपको स्वयं में व्यवस्था स्पष्ट नहीं है, आप स्वयं में व्यवस्थित नहीं है, फिर आपको शरीर की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है, इसलिए शरीर के लिए क्या करना है वो स्पष्ट नहीं है। तो वो हार्मोन वहाँ बना रहे, बट कौन से हार्मोन को कब सिक्रेट करना है वो तो हमको ही तय करना है, वो हम तय नहीं कर पाते। जो जरूरत है उसको नहीं करते, जो नहीं जरूरत है उसको करने लगते हैं। ये सब हो रहा है, अब इसको देखिए, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो अपने ऊपर आ जाती है कि हम खुद की व्यवस्था को समझें, हम व्यवस्थित हों, फिर जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी व्यवस्था को समझें, और उसके लिए हमको क्या करना है वो देखें, वैसा करें तो हम दूसरे की व्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो पहला तो मुद्दा ये, ठीक। दूसरा क्या था आपका सवाल? सर दूसरा जो अभी जो इस पल की बात कर रहे हैं, टाइम की अहमियत, क्योंकि बॉडी तो बदलते रहती है बचपन से बुढ़ापे तक, लेकिन जो सेल्फ है वो जो कंटिन्यूस है, लेकिन उसकी परिमार्जन कैसी होती है, समझदारी से होती है लेकिन हुआ कितना नहीं होता है, या जो कुछ भी हो रहा है, जैसा आपने आंसर तो दे ही दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि समय की मुख्य भूमिका कहाँ पे समझना है या कैसे समझना है। समय की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ, नाउ की बात कर रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था कि मान लीजिए हमें वो भी पता नहीं हो रहा है क्योंकि अपनी व्यवस्था नहीं समझ में आई, तो मेरा जो हॉरोस्कोप का जो बात छेड़ा में, क्योंकि वो भी एक विद्या है, वो भी एक ज्ञान है, लेकिन उससे समझ के हम अपने आप को नियमित कर सकते हैं क्या, वो भी व्यवस्थित व्यवस्थीकृत है क्या, क्योंकि वो तो फ्यूचर भी बताएगा अपने बारे में। तो हॉरोस्कोप के बारे में दर्शन में कैसा दिखाया गया है या बताया गया है? तो देखिए, टाइम सेल्फ के लेवल पर अगर देखेंगे तो सेल्फ का होना में कंटिन्यूटी है, तो वहां टाइम का फिर नोशन काम नहीं करता। बट सेल्फ की एक्टिविटी के लेवल पर देखेंगे तो एक्टिविटीज बदल रही है, तो वहां टाइम का नोशन काम करता है। ये जो प्योर ऑब्जर्वर के लेवल पर जो एक्टिविटी है उसको देखेंगे तो वो एक एक्टिविटी है जो बनी रहती है हमेशा, उसमें बदलाव नहीं है। बाकी जो नीचे की एक्टिविटी है उसमें बदलाव है फिर भी, और जहां भी बदलाव है वहां टाइम का नोशन आ जाएगा। तो सेल्फ के होने में तो कंटिन्यूटी है, बट उसकी एक्टिविटी में कंटिन्यूटी हो ऐसा जरूरी नहीं है।
वो कंटिन्यूटी सिर्फ प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर है। इसीलिए अगर टाइम के सीमा से हम निकलना चाहते हैं तो अल्टीमेटली प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर ही जाकर खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए सारा प्रयास इस बात पर है कि हम प्योर ऑब्जर्वर की जगह बने रहें, वहां से कल्पनाशीलता को देखें, वहां से संस्कार को देखें, उनका मूल्यांकन करें, उनका परिमार्जन करें। ये सब काम वहां पे हो रहा है ना, और हमारा जो होने का सेंटर है वो प्योर ऑब्जर्वर है। ये होगा तो वहां जाकर फिर चेंज का मुद्दा खत्म हो जाएगा, वहां टाइम का मुद्दा खत्म हो जाएगा। वास्तव में जो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस की बात है वो उसी जगह पर है, वहां पर जाकर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूटी पॉसिबल है। उसके गाइडेंस में जब नीचे के एक्टिविटी चलेंगी तो वहां भी कंटिन्यूटी हो सकती है, बट कंटिन्यूटी को एंश्योर करने का जो रियल जगह है वो तो प्योर ऑब्जर्वर है। यहाँ की एक्टिविटी के लेवल पर भी चेंज नहीं हो रहा है। नीचे में क्या है, सेल्फ के एग्जिस्टेंस पर तो कंटिन्यूटी है ना, लेकिन जो नीचे की एक्टिविटी है वो चेंज होती है। जब तक वो सही के अर्थ में ना हो जाए तब तक चेंज होती है, और सही के अर्थ में तभी होगा जब वो प्योर ऑब्जर्वर के गाइडेंस में होगी। लेकिन प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर जो एक्टिविटी है उसकी कंटिन्यूटी है, इसलिए अपने को उस जगह पर पहुंचना है। वो जो हमारा सह स्वीकार रहता है वो हमेशा एक जैसा बना रहता है, हम ध्यान दें चाहे ना दें। इसलिए एक्सरसाइज वन को देखेंगे तो स्टेप वन में ही इस बात को कर रहे हैं कि हम अवेयर हो जाएं। अवेयर हो जाएं का क्या मतलब है? अवेयर होकर इमेजिनेशन को देखें का क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि हम दृष्टा की जगह पर, शुद्ध दृष्टा की जगह पर हो जाएं, वहां से देखना शुरू करें कल्पनाशीलता को, वहां से उसका मूल्यांकन करना शुरू करें कि क्या चल रहा है भाव में, सहज है असहज है, सुखद है दुखद है। तो बेसिक रेफरेंस हमारे पास है और उसमें कंटिन्यूटी है, इसलिए वही जगह है जहां पर हमको अल्टीमेटली जो है सुख की निरंतरता हो सकती है। उससे नीचे होने का गारंटी तभी है जब हम ऊपर जाकर वहां पर स्थिर होकर वहां से बाकी सबका गाइडेंस कर रहे हैं तो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भैया, लेकिन एक छोटा क्वेश्चन इसी के रिलेटेड में है कि मान लो इसको जो शुद्ध दृष्टा से देखने की जो भाव है उसको हम अपने आप से बात करके कर सकते हैं, नहीं तो वो पागलपन है? आप उसको जो भी कहें, देखिए ये सब बातें तो सिंसियरिटी के साथ हो रही हैं, अपने साथ सिंसियरली काम करने की बात है। वो नहीं करेंगे कुछ भी घाल मिल करते रहेंगे तो करते रहिए, परेशान होते रहिए। ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो तो एक सिंसियरिटी के साथ ही कर रहे हैं कि हम सब लोग अपने पर सिंसियरली काम करेंगे। अगर हम अपने को के साथ चीट करने को तैयार हैं तो करें, क्या कर सकते हैं, फिर तो कुछ भी नहीं बता सकते हैं। घालमेल जो है वो तो आप कर ही सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है ही, बट हम लोग तो एक सिंसियरिटी के साथ ही बात कर रहे हैं। बढ़िया भैया, तो जो लास्ट क्वेश्चन है हॉरोस्कोप का, देखिए लास्ट क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। हॉरोस्कोप का मतलब यह है कि वो इस बात को स्टडी करते हैं कि इतने बड़े एग्जिस्टेंस में परस्परता में क्या प्रभाव पड़ रहा है एक यूनिट का दूसरे यूनिट के ऊपर, ठीक है ना। तो उसकी स्टडी है। तो ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है और एग्जिस्टेंस में इतने सारे यूनिट है उसका हमारे शरीर पर और हमारे सेल पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका स्टडी है। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, अगर उसको ठीक से देखेंगे तो हम तो स्वभाव में स्थित होने की बात कर रहे हैं। तो जो सवाल पूछे था ना कि सुख स्वभाव है कि प्रभाव है, सर मेरा क्वेश्चन ये था। एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक मिनट रुक जाइए, बात पूरी हो जाने दीजिए, है ना। तो सुख अगर हमारा स्वभाव है ये हमको दिख जाए
तो हम उसके लिए सीधा काम करने लगेंगे, और अगर वो काम किया और हम वहां स्थित हो गए तो हम प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ज्यादा अच्छा काम है रादर देन हम जो है इस पर जाकर देखें कि भाई कैसे क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसे उसको हम फेवरेबल बना सकते हैं। तो ये सारा होरोस्कोप में जाने की जरूरत नहीं है, अपने पास एक डायरेक्ट तरीका है करने का, उसको कर लें। लेकिन आपको उसके साथ जूझना है तो आप जूझें। ठीक है सर। सर मेरा इतना ही क्वेश्चन था कि अगर वो सही है, मतलब हम बदल नहीं पाएंगे या बदल नहीं सकते हैं जो जो स्वभाव है जिसके ऊपर की विद्या है, और हम प्रभाव की बात कर रहे हैं जो उसकी विपरीत है, क्योंकि हम स्वभाव को प्रभाव से बदल भी सकते हैं जो हम में है, लेकिन हम बदल ही नहीं सकते बोल के वो निश्चित है क्योंकि वो है, मतलब पहले से है वैसा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई होरोस्कोप नहीं कह रहा है, ये तो हम मान लेते हैं। होरोस्कोप कभी भी ये नहीं कहता कि ये इफेक्ट जो है वो डेफिनेट है, वो सभी ये कहते हैं कि ये इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटीज हैं। ये इफेक्ट्स, ये रूल्स लॉज हैं, उसके तहत ये इफेक्ट्स होंगे, ये कह रहे हैं। और कोई भी ये नहीं कहता कि सेल्फ के ऊपर जो है ये डेफिनेटनेस काम करता है, ये सेल्फ इस तरह से प्रभावित होता रहेगा। इनफैक्ट सेल्फ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि वो स्वतंत्रता है उसमें, और सारे होरोस्कोप वाले उस स्वतंत्रता को मानते हैं। सर लेकिन होरोस्कोप बनता है बॉडी की बर्थ से ना सर, लेकिन वो तो कह रहा हूँ बॉडी का बर्थ से बनता है, मतलब बॉडी के इफेक्ट की बात हो रही है। दोनों तरह के होरोस्कोप बनते हैं, बॉडी के हिसाब से भी सेल्फ के हिसाब से भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी के हिसाब से बनता है। ठीक है, अभी मैं उसको डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट एक कहानी बता देता हूँ। बुद्ध के बारे ऐसा बताते हैं कि बुद्ध जब पैदा हुए तो तीन लोग आए अलग अलग जगहों से, उसमें से पहले दो ने कहा, तीनों ने कहा कि ये महान होगा व्यक्ति, ठीक है ना। लेकिन महान में क्या होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा या बुद्ध होगा, ये ओपन है, ऐसा उन्होंने बताया। पहले दो ने ये बताया, तीसरे ने कहा कि ये बुद्ध ही होगा, ठीक है ना, चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा। तो जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो इतनी सब बातें को बताते हैं। पहले दो कम से कम ये बताए कि ये दूसरा मुद्दा ओपन है, तीसरे ने वो सेल्फ को भी उतना स्टडी कर सकते थे तो उन्होंने बताया कि नहीं ये तो निश्चित ही है कि ये बुद्ध होगा, क्योंकि अभी इनको अब राजी करने का मामला खत्म हो गया इसका, ये संस्कार में दूसरों के ऊपर शासन करना मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा, इसको अपने पर शासन करने का काम करना है तो ये बुद्ध होगा। तो ये जो तीनों आए थे एस्ट्रोलॉजर, ये तो शरीर के स्तर पर भी देख रहे थे और सेल्फ के स्तर पर भी देख रहे थे, लेकिन तीसरे वाला जितना स्पष्टता से सेल्फ के लेवल पर देख रहा था उतना पहले दो नहीं देख पा रहे थे। बढ़िया भैया, सूचनाएं मिली हैं, काम करेंगे सर। थैंक यू सर। काम आप ही को करना पड़ेगा, इससे ज्यादा हाँ सर वही कुछ, वही 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 काम करेंगे सर। थैंक यू सर। आप सूचना प्राप्त करने में ज्यादा वो रखते हैं भरोसा, अपने पे काम करने में कम रखते हैं, उसको अगर बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। सर काम की पैरवी कर रहे हैं कि काम क्यों कर रहे हैं, और चलिए ठीक है हम छोड़ देते हैं उसको आगे कर देते हैं। नहीं करते हैं सर, करते कर हैं रहे, कर रहे हैं। देखिए आप इतने दिन से टिके हुए हैं वो इस बात का इंडिकेटर है कि आप अपने पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पुराना संस्कार है आपका ना इन्फॉर्मेशन पर ज्यादा भरोसा करने का, वो अभी धीरे धीरे जाएगा, टाइम लगता है। अपने लिए तो उदार ही है, अपने प्रति भी और आपके प्रति भी है कि नहीं। जी सर, आप जैसे मार्गदर्शक से तो हो ही जाएंगे और आप जैसे सभी साथी हो ही जाएंगे, ये गारंटी नहीं है, होने की प्रयास करेंगे। करना पड़ेगा, ठीक है।
टाइम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सिंसियरिटी जो वर्ड यूज करी है बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो डिसिप्लिन हूँ, डिसिप्लिन से सिंसियर बनना है इतनी सी ख्वाहिश है, मतलब कसर और ज्यादा कुछ नहीं है। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को भैया। जी होलिस्टिक हेल्थ के एक लेक्चर में मैंने सेल्फ के हेल्थ के बारे में जाना था, तो बॉडी के हेल्थ का तो हम लोग बात करते हैं कि बॉडी को रेगुलेट करना है, अपने बॉडी के हेल्थ को सुनिश्चित करना है, सेल्फ के हेल्थ को कैसे इंश्योर किया जाए भैया? देखिए अभी तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना मेजर जी, वो तो सेल्फ के हेल्थ को ही सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो दो बातें कही UHB 3 में, एक तो राइट अंडरस्टैंडिंग होना और एक रिजोल्यूशन होना, ज्ञान होना और समाधान होना, ये दो चीज जरूरी है सेल्फ के हेल्थ को इंश्योर करने के। तो पूरी UHB 3 की चर्चा इसी पर हो रही थी, और ये जो अभ्यास एक कर रहे हैं वो अभ्यास एक जो है सेल्फ के हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। और अगर सेल्फ का हेल्थ ठीक हो जाए, मतलब हम अस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझ लें ना, और उसके अर्थ में हमारा भाव विचार चलने लगे, तो हम हर क्षण सुखी रह सकते हैं, यही सेल्फ का स्वस्थ होना है। भैया एक प्रश्न और है, ऐसा ही एक मिनट इसको पूरा कर देते ना थोड़ा। जी सुन हम बिल्कुल, आपने कुछ पूछा हमारी जिम्मेदारी है कि वो भी बताएं, और उससे जुड़ा हुआ कुछ और बात है तो वो भी बता दें, है कि नहीं? जी भैया जी भैया बिल्कुल मैं पूरा तो सेल्फ का स्वस्थ होना कैसे होगा इस पर बात हो रही है, और फिर Exercise 2 में हम लोग ये कह रहे हैं कि सेल्फ अगर स्वस्थ है तो शरीर को कैसे स्वस्थ रखेगा और अपने परस्परता को भी कैसे स्वस्थ रखेगा, ठीक है ना? हिंदी में जो शब्द है स्वस्थ हेल्थ के लिए वो ज्यादा अच्छा है ना शब्द है, अंग्रेजी में उतना स्पष्ट नहीं होता। स्वस्थ का मतलब है स्वयं के होने की जो व्यवस्था है उसमें स्थित रहना, ये स्वस्थ है, ठीक है ना? जी तो मेरे होने की जो व्यवस्था है उसमें हम स्थित हो गए तो हम स्वस्थ हैं, शरीर के होने की जो व्यवस्था है उसमें शरीर स्थित हो गया तो स्वस्थ है, ठीक है ना? एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच संबंध पूर्वक होने की जो व्यवस्था है उसमें हो गया तो संबंध स्वस्थ है जी, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। एक समाज के होने की जो व्यवस्था है उसमें समाज हो गया तो स्वस्थ समाज है। तो हर जगह के स्वस्थ को अपने को देखना है ना, ह्यूमन बीइंग के स्वस्थ होने को, और ह्यूमन बीइंग में भी शरीर और सेल्फ दोनों के स्वस्थ होने को, फिर परिवार के स्वस्थ होने को, समाज के स्वस्थ होने को, और अल्टीमेटली पूरे प्रकृति को स्वस्थ होने को। तो इन सब जगह स्वस्थ का मतलब क्या है कि इनके होने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में वो हो जाए तो स्वस्थ जी, ठीक है ये ठीक है। अब बताइए जी भैया, तो इससे संबंधित मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने कहा कि स्व का हेल्थ, सेल्फ का जो हेल्थ है उसमें हम एक्सरसाइज 1 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 में हमने अपने भावों विचारों और जो हमारे कल्पनाशीलता है उसका अवलोकन किया था, उसके बारे में देखा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं भैया कि जो सेल्फ हेल्थ की बात कर रहे हैं बेसिकली वो मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? जी। तो आप उसको मानसिक स्वास्थ्य कह सकते हैं, लेकिन सेल्फ को अगर देखेंगे तो सिर्फ वो मानसिक नहीं है, मतलब सेल्फ को देखेंगे तो ये जो 5 क्रियाओं की बात हम लोगों ने की, इन सभी जगह स्वस्थ होने की बात है ना। अगर आप जो प्रचलित ट्रेडिशन में अगर देखेंगे परंपरा में, तो मन और आत्मा ऐसा कहा, या मन बुद्धि और आत्मा, उसको अंग्रेजी में कहेंगे तो माइंड इंटेलेक्ट एंड सोल, ये तीनों के लेवल पर स्वस्थ होने की जरूरत है ना।
तो सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य कहेंगे तो चलेगा नहीं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, इन सभी जगह स्वस्थ होने की बात है। तो जब हम सेल्फ के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो इन सब जगहों की बात कर रहे हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ होना उसका एक भाग है, और मानसिक का मतलब अगर अभी देखें हम लोग अपने हिसाब से जिस तरह से हम लोग चीजों को देख रहे थे, तो ये जो पूरा कल्पनाशीलता का जगह है ना, डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन, ये स्वस्थ हो, मानसिक स्वस्थ का मतलब ये होगा जी। बौद्धिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब ये होगा कि हम सही क्या है उसको देख पा रहे हैं, और आत्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब ये होगा कि अब हमारा जीने का जगह शुद्ध दृष्टा की जगह पर आ गया है ना, साक्षी की जगह पर आ गया, आत्मा की जगह पर आ गया। वहां पर जब हम देख जाते हैं और उस जगह को हम अगर केंद्र बना लेते हैं, तो जैसा भी मैं कह रहा था कि वहां पर कोई बदलाव नहीं होता है ना, उसमें नित्यता है, तो उसी जगह पर जाकर वास्तव में हम स्वस्थ होते हैं, और उसके आधार पर अपने बुद्धि को और अपने मन को व्यवस्थित करते हैं तो मन और बुद्धि भी स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए साइकोलॉजी का जो स्टडी कर रहे हैं, बिना उस प्योर दृष्टा को, प्योर ऑब्जर्वर को समझे हुए, साक्षी को समझे हुए, वो कभी भी मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं कर पाते। और ज्यादातर जो मानसिक स्वास्थ्य के डॉक्टर हैं वो खुद ही बेचारे बीमार रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके साथ कठिनाई है कि उनको मानसिक स्वास्थ्य कैसे होगा ये पता ही नहीं है ना। उसके पीछे जो दृष्टा होना है, वो दृष्टा होने की जगह पर हम पहुंचते ही नहीं है, इसलिए हम उस जगह पे स्थिर नहीं हो पाते, और उसके स्थिर हुए बिना नीचे का जो बुद्धि और मन है उसको स्थिर नहीं किया जा सकता। आपका सब्जेक्ट क्या है भैया? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीआईटी मिश्रा की यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। लेकिन मेरा यह प्रश्न पूछने का मेन मोटो यह था कि पिछले 28 वर्षों से मैं बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर की पेशेंट रही हूँ। हालांकि शुरुआत में मुझे डिप्रेशन की दवाइयां चलाई गई थी, जिसके कारण मैंने कहीं पढ़ा है कि मूड डिसऑर्डर को और वर्स कर देता है डिप्रेशन की दवाइयां, मतलब मेनिया फेज और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस यूएचबी टीम से जुड़ने के बाद, यूएचबी 2 के सेशंस को अटेंड करने के बाद, मैंने खुद से इम्प्लाई किया, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मेरे मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्या है वो मैं इन यूएचबी के सेशंस के द्वारा अपने ऊपर काम करके मैं ठीक कर सकती हूँ खुद को। इनफैक्ट मेरी एक भतीजी है जो MD कर रही है साइकियाट्री में, गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल अगरतला से, सेकंड ईयर में है भैया। उससे मैंने इन बातों को डिस्कशन किया, एंड सी ऑल्सो टोल्ड कि सेल्फ पर काम करके ही ठीक किया जा सकता है इन सारी चीजों को। एंड सी टोल्ड कि मुझे बहुत खुशी है बुआ कि आप इस पे कर रही हैं, आप इस पे काम कर रही हैं, अब आप अपनी बीमारी से खुद ही लड़ लेंगी। वो मेरी सगी भतीजी है भैया, और आपके द्वारा भी इन सारे कंक्लूजन को सुन के वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वाकई अब तो मैं स्वस्थ होके रहूंगी। धन्यवाद भैया। सही बात है। देखिए, अगर आप दृष्टा की जगह पर होते हैं ना जी, तो वहां कोई बाइपोलर नहीं है। वहां पर जो हमारा सह स्वीकार्यता है वो हमेशा निश्चित रहता है, एक ही रहता है। और वही जगह है जहां से खड़े होकर हम नीचे के सारे बाइपोलर को ठीक कर सकते हैं। अभी बाइपोलर इसलिए हो गए हम क्योंकि ऊपर वाला गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। बाइपोलर का मतलब यही है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है जी, खुशी और कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वही वही मूड डिसऑर्डर जी, मूड के साथ चलते हैं। अभी दृष्टा की जगह पर होंगे तो वहाँ कोई झंझट नहीं है मूड का। जी 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 बिल्कुल, अपने इमेजिनेशन को, अपने भावों को पकड़ पाए, समझ पाए, उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स दे। अगर अपने रिस्पॉन्स को संभाल लिया तो बाइपोलर खत्म हो गया ना भैया मेरा, खत्म हो गया। ओके जी जी जी, बस संभालना भी जो है रिस्पॉन्स संभालना है, अपने भाव को पहले संभाल लेना है। भाव ठीक हो गया तो रिस्पॉन्स ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बात तो समझ, अच्छा प्रयोग कर रहे हैं आप, इस पर ठीक से काम करिए जी भैया, है ना। हाँ, और हम लोग के साथ भी शेयर करते रहिए, आप भी काम करिए और आपके भतीजे को भी कहिए कि इस पर ठीक से काम करे वो। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, नमस्ते। जी धन्यवाद दीदी। हाँ जी, अभी जो प्रश्न था एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बताता हूँ। इसमें तीन चीजें होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो पास्ट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो हम बदल नहीं सकते, उसी को हम भाग्य कहते हैं। प्रेजेंट होता है वो सेल्फ पर डिपेंड करता है, वो हम बदल सकते हैं। और जो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल इक्वल टू अनदर वेरिएबल, ये इस पर डिपेंड करता है कि कांस्टेंट है मतलब जो पूर्व संस्कार है वो हमारे वेरिएबल से सेल्फ से ज्यादा है, या हमारा सेल्फ जो है वो उनसे ज्यादा हो सकता है। तो सब कुछ प्रीडेस्टाइंड होता तो हमारी जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं होता, तब तो फिर हम एनिमल एग्जिस्टेंस में ही जी रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट फॉर्चून टेलिंग। वो ये नहीं बोलता कि भविष्य में यही होगा, वो दोनों चीजों को बताता है। वो हमको इंटरनल और एक्सटर्नल चीजें कि जो हमारे शरीर के अंदर जो घटनाएं होती है और जो बाहरी चीजों का जो उस पर प्रभाव होता है उसका स्टडी करता है, जिसमें दो चीजें होती है, साइंस एंड आर्ट्स। जो साइंस है वो एस्ट्रोनॉमी है, गणित, और दूसरा होता है फलित। फलित जो होता है कि हम उसका इंटरप्रिटेशन है, उसको अर्थ क्या देते हैं, ये दोनों चीजें उसमें होती है। तो हम उसको अर्थ देकर उसको सकारात्मक चीज से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो होरोस्कोप होता है, इट इज जस्ट ए पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। वो बस एक मैप है बस, कि उस टाइम पोजिशन ऐसी थी। अब उसमें जो भी चीजें थी अच्छी बुरी होने वाली है भविष्य में, तो वो जो पहले से वो नहीं होता, वो जैसे जैसे वो ग्रह घूमते जाते हैं जिसको बोलते हैं गोचर, तो ये गोचर ग्रह जो आते हैं तो उस टाइम पे अच्छा बुरा फल हमको अलग अलग चीजों का अलग अलग डायमेंशन में मिलते रहता है। तो उसको समझने की प्रक्रिया है। तो इसलिए जो लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी 100% सही है वो भी गलत है, और जो समझते हैं कि सब कुछ गलत है वो भी गलत है, क्योंकि वो जस्ट एक उसका किस तरह से हम अर्थघटन करते हैं और किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमको ये समझना है। दूसरी बात, जो एक छोटी सी लाइन होती है बस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, अभी जो प्रेजेंट है वो थोड़ी देर बाद पास्ट हो जाएगा, और जो फ्यूचर है वो थोड़ी देर बाद प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि प्रेजेंट यदि हमारा एन है, जो पास्ट है वो हमारा एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, इस तरह से हम मान सकते हैं। फ्यूचर को हम एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, इस तरह से हम मान सकते हैं। तो ये जो काल गणना होती है या जो टाइम है, तो ये टाइम और स्पेस के बीच में का जो रिलेशनशिप है उसको समझने में एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद करता है। लेकिन इसके लिए हमको जो उसको अर्थ जो हम देते हैं या जो फलित जिसको बोलते हैं वो हमको देखना पड़ता है। सो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट फॉर्चून टेलिंग, वो गणित और फलित दोनों चीजों पर बेस होता है, और हम उसको किस तरह से घटना कैसे अर्थघटन देते हैं, कैसा अर्थ देते हैं, उसके आधार पर हम अपना दोनों चीजों को, टाइम और स्पेस को समझने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी। और कोई प्रश्न है तो आप लोग बात कर सकते हैं। नमस्कार भैया, हेलो जी जी, नमस्ते नमस्ते भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था मेरी स्थिति और गति को लेकर के। आज की पोजीशन ये है भैया कि अंदर की तरफ मेरे दो तरह की गति हो रही है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर की तरफ मैं जा रही हूँ तो मैं वो स्वयं को समझने के लिए जा रही हूँ और स्वयं से स्वयं का संबंध स्थापित करने के लिए जा रही हूँ, तो ये वाली गति तो मुझे स्पष्ट हो रही है। और एक गति मेरी बाहर की ओर जा रही है जिसमें मेरा व्यवहार, आचरण, संबंध दूसरों के साथ जो मेरा संबंध है, प्रकृति के साथ जो मेरा संबंध है, वो भी उस तरफ भी गति बढ़ रही है। और मैं भैया ये भी देखती हूँ कि मेरा, मेरे परिवार और जो मेरे बाहर के लोग हैं, जो समाज है, वो किसी और दिशा में दौड़ लगा रहे हैं। माने वो थोड़ा पैसा, पद और प्रतिष्ठा, इस तरफ की दौड़ है वहां पर। और अगर मैं अपनी सारी गतियों को देखती हूँ तो मेरी जो गति है वो मुझे अंदर की तरफ जो जा रही है वो बहुत ही ज्यादा आनंदित लगती है, और बाहर की जो मेरे परिवार और समाज और जिस तरफ भी जा रहे हैं वहां पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। ये दोनों तरफ की गति जो विपरीत दिशा में जा रही है वो इतनी मैसी हो जाती है एट टाइम, कि क्योंकि मैं तो उस परिवार और समाज में ही रह रही हूँ तो मेरी खुद की स्थिति बड़ी डगमगाती हुई सी दिखती है। इसमें भैया मुझे थोड़ा सा
जाना था कि कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं। देखिए वो जो बात बहुत बार हुई है, मैं उसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपने अभी ठीक कहा कि अंदर भी प्रॉब्लम है बाहर भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और क्योंकि हम इंटरेक्शन में हैं इसलिए बाहर का प्रॉब्लम अंदर हमको प्रभावित करता रहता है, ठीक है ना। तो क्या करें, यह सवाल है ना। हाँ जी, तो उत्तर देखिए उसका यह है कि अपने पे काम तो करना ही है, ठीक है, वो तो चॉइस नहीं है उस पर, तो अपने पे काम जारी रखें। भैया वही एक काम करने लायक चीज लगती है। एक मिनट पूरा कर लें अभी। हाँ जी, हाँ जी, मैं थोड़ा आराम से चलता हूँ। जी भैया है ना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुने, उस पर थोड़ा आपका रिफ्लेक्शन हो जाए, है ना, तब अगली बात कहना ठीक है, लेकिन तो इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए होता हमको, ताकि आप सुनकर उस पर अपने में रिफ्लेक्शन कर सकें, और उसके बाद मैं अगली बात कहूंगा तो उसका ज्यादा मीनिंगफुल वो निकलेगा। तो खैर मैं ये कह रहा था कि पहले अपने पर तो काम करना ही है, तो उस पर काम जारी रखें। ये जो दूसरे पर काम करना है ना, उसमें टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं कि अपने पर काम करने के साथ साथ ही दूसरे पर काम शुरू कर देते हैं, तो इतनी हड़बड़ी नहीं करें हम लोग। ये जो हड़बड़ी करते हैं उसलिए प्रॉब्लम है। तो जो बात मैं कह रहा था अंग्रेजी के सेशन में भी, कि अपने प्रति उदार होना है और दूसरे के प्रति उदार होना है, ये दोनों के प्रति उदार होना जरूरी है। हमको भी टाइम लगेगा, दूसरे को भी टाइम लगेगा। तो हम अपने को भी टाइम दे रहे हैं, अपने पर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, है ना, जो समय लग रहा है समय दे रहे हैं, फिर दूसरे को भी समय दे रहे हैं, है ना, उसमें हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। वो हड़बड़ी करते हैं और उतनी हड़बड़ी से वो बदलता नहीं है, इसलिए हम परेशान होते हैं। तो जब भी जैसे भी आप लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो इसमें से कोई 10 साल से जुड़ा है, कोई 20 साल 15 साल से जुड़ा है, कोई अभी 6 महीने से जुड़ा है ना। जो 10 साल से जुड़े हैं उनकी जितनी गति है, कुछ लोग जो 6 महीने में जुड़े हैं उससे उनकी गति ज्यादा हो गई है 6 महीने वालों की। तो ये सब तरह के लोग हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं, हमारे खुद के भी अपने संस्कार हैं, हम भी अपने पर काम कर रहे हैं, हमको भी टाइम लग रहा है, तो हम अपने को भी टाइम देते हैं, दूसरे को भी टाइम लगेगा तो दूसरे को भी टाइम देते हैं। तो फिर इतना अगर हमारे में उदारता हो तो हम अपने पर ठीक से काम करते हुए, है ना, जहां जहां दूसरे के साथ काम करने का स्पेस बनता है वहां काम करेंगे, जितना उसमें काम हो जाए, है ना, बाकी वो समय लेगा ही। तो ये करेंगे तो अपने पर काम जारी रख सकते हैं। हम दूसरे को बदलने की अपेक्षा करने लगते हैं और उसमें भी एक गति की अपेक्षा करने लगते हैं, उससे हम परेशान होते हैं, उसको ठीक करना जरूरी है। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने पर काम कर रहे हैं, आपको बदलाव दिख रहा है, आपको ये भी दिख रहा है कि परिवार के लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा सही नहीं है और उनको ठीक होने की जरूरत है, लेकिन वो जो कर रहे हैं उससे हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो दो काम है, एक तो वो जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारा अपने पर काम ठीक से हुआ नहीं अभी, तो और ठीक से काम करेंगे तो प्रभाव कम होने लगेगा, हम अपने स्वभाव में स्थित होने लगेंगे, ठीक है, एक तो ये। दूसरा, उनसे जल्दी बदलने की अपेक्षा भी हम ना रखें, वो रखते हैं तो वो भी नहीं पूरा होता है तो परेशान होते हैं। तो दो काम हुआ, तीन काम हुआ, एक तो हम अपने पर काम करेंगे और अपने प्रति उदारता रखेंगे, दूसरा ये जो दूसरे से हम प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित कम से कम होंगे अगर हम अपने स्वभाव में स्थित हैं तो उसके लिए काम करेंगे, और तीसरा दूसरे में बदलाव हो जाए इसकी अपेक्षा के लिए भी कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, समय देंगे। इतना तीन चीज तो कर ही सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो कर ही सकते हैं। जी भैया, मेरा थोड़ा प्रश्न ये था कि मेरा जो अंदर की तरफ जर्नी है ना, वो मुझे बहुत आनंदित करती है, बजाय कि बाहर की तरफ जो काम, जो जिद्दो दिशा है वहां पर। तो
तो उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चीजें मैसी होती जा रही है। मतलब नहीं, क्यों मैसी हो रही है? जब आपको अच्छा लग रहा है तो अपने पर काम करिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, पर भैया जिस परिवार में, जिस समाज में, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, वो तो किसी और दिशा में दौड़ लगा रहे हैं। वो ठीक है, उनको लगाने दीजिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप उनको क्यों अभी जल्दी में बदलना चाह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मेरा प्रयास उनको बदलना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फिर पर मेरी खुद की स्थिति कभी कभी ऐसे डगमगाती है कि भाई इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। मतलब क्यों डगमगा रही है? क्योंकि अभी तो अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आया ना। प्रभावित इसलिए हो रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि वो जल्दी बदल जाएं। हाँ, हो सकता है भैया। वो तो अपना टाइम लेंगे ना, हम क्यों चाह रहे कि वो हमको अप्रिशिएट करने लगे कि हम बदल गए। उनका मापदंड का, मूल्यांकन का मापदंड अलग है। जब तक तो वो मापदंड है, उससे आप उनको लगेगा कि आप कहाँ भटक रहे हैं। हाँ जी, तो वो तो अपना टाइम लेंगे ना अपने को बदलने में। उनको टाइम दीजिए एक तो, और दूसरा आप अपने में प्रभावित मत होइए, ठीक है ना? तो हो गया। और तीसरा जो पहला मुख्य काम है कि अपने पर काम जारी रखिए। जी ठीक है, बढ़िया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है, नमस्ते। समय हो गया, अब यहाँ रोक लेते हैं हम लोग। जी सर, शुभकामना। नमस्ते, कल मिलते हैं। जी, नमस्ते सर।